हेलो ट्रेनर्स, कैसे आप लोग। तो यार बहुत दिन के बाद हम फिर से आज एक नई वीडियो में मिलने वाले हैं जो कि है नोब टू प्रो सीरीज़ की वीडियो गाइस। ठीक है, सो गाइस तुमको जैसे भी पता है, सभी को पता है कि जो नोब टू प्रो सीरीज़ की वीडियोस होती है सभी की सभी आज तक वैल्यूएबल वीडियोस होती है। ठीक है, सो ये वीडियो भी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इसको पूरा देखना। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करें यहाँ पर रून्स के बारे में। ठीक है, जो पोकेमॉन्स के रून होते हैं, ठीक है, ये जो है बिल्कुल मतलब अलग ही टॉपिक हो गया एकदम से, क्योंकि जो रून्स है ना इनको आज तक पूरी तरह से कोई भी प्लेयर नहीं समझ पाया। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से मतलब इतनी कोशिश तो कर दूंगा कि तुम इस वीडियो में रून के बारे में 70% से ज़्यादा समझ पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। और जो अपने आप को ज़्यादा प्लेयर समझते हैं भाई, तो वो भी इस वीडियो को देख लो कि कुछ ना कुछ ऐसा जो तुम भी नहीं जानते हो। ठीक है, सो गाइस फालतू टाइम बर्बाद ना करते हो, हम जो यहाँ पर सीधे रून्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो रून समझाने के लिए मैं यार अपने किसी पोकेमोन को लूँगा, और किसको लूँ मैं पहले ये देख लेता हूँ। तो एक काम करता हूँ भाई, मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पर ब्लीच गेन को। ठीक है, सो जो ब्लीच गेन है गाइस बहुत ही अच्छा पोकेमोन है मेरा। सो देखो गाइस, रून से जो है हमारे प्लेयर की पोकेमोन की पावर अप होती है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है रून से भी पावर दो तरह से अप हो सकती है। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ कि जो रून से है हमारी पावर, एक तो जब बढ़ती है जब हम अपने रून को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे ये रून है कि हम इसको मान लो अगर इनहेंस करेंगे, इसको हम कर लेंगे यहाँ पर 10 लेवल तक मान लो कर लिया, तो 20 पर चला गया सीधा। सो मान लो देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये 20 कर दिया ना, तो मेरा जो है ये पोकेमोन जो है ब्लीच गेन, इसकी पावर बहुत ज़्यादा अप हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये तुम मान के चलो गाइस। ठीक है, पर जो है इसका जो मैं दूसरा तरीका मैं तुमको बता देता हूँ, दूसरा तरीका होता है गाइस रून से पावर बढ़ाने का, रून सेट बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है मैंने दो सी लगाए हुए, देखो एक सी ये रहा और एक ये ऊपर रहा। ठीक है, तो ये दो सी का जब मैंने कॉम्बो बनाया ना, तो इससे मेरे एक या दो स्टार की पावर बढ़ गई है ब्लीच गेन की। ठीक है, अब तुमको मैं इस बात को प्रूफ कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जो यहाँ पर सी वाला जो ये रून है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया से। अब अगर हम देखेंगे ब्लीच गेन की पावर को, तो ये जो है हमने देखा तो इसकी जो है एक स्टार की पावर घट गई यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो है इसका सेट बनने से हमारी एक स्टार की पावर बढ़ रही थी। अब मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, जैसे कि मैंने एक तो यहाँ पर ये लगा लिया, और पाँच पे मैं कुछ और लगा देता हूँ सी की जगह। पहले कुछ रून से ले लेते हैं हम। सो देखो गाइस, अपने पास अब यहाँ पर लगाने के लिए एच वाला रून है। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारी पावर उतनी की उतनी है, बड़ी नहीं है। ठीक है, तो मैं जो अपनी बात को प्रूफ कर रहा था यहाँ पर कि हमारी जो पावर है रून से वो सिर्फ दो तरह से बढ़ सकती है, एक जब हम रून के सेट बनाते हैं, और दूसरा जब हम रून को कॉम्बो बनाते हैं। ठीक है, यह बात हमारी हो चुकी है क्लियर। ठीक है, कि हम रून से पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, एक जब हम उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे, और दूसरा जब हम उसे सेट बनाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो कोई बंदा, जैसे मैंने सेट बनाई हुआ है, ठीक है, इनकी सेट बना कर और इनकी पावर अप करूँगा ना मैं, तो जो है रून से जो हमारी को पावर मिलेगी ना वो डबल होगी गाइस। ठीक है, मतलब हमारे पोकेमोन की डबल पावर को इंक्रीज़ कर सकता है रून, अगर हम उसको सेट बना कर उसको इंक्रीज करें। ठीक है गाइस, सो जो सेट है तुम ऑरेंज का ही बना सकते हो, पर्पल का ही बना सकते हो, ब्लू का भी बना सकते हो। ठीक है, ग्रीन का ही बना सकते हो, पर उसकी पावर को ही नहीं मत करना। ठीक है, मैं तुमको आगे जाके अपने और पोकेमोन्स के भी रून्स दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करते हैं यहाँ पर कि रून्स के अंदर दो तरह की मतलब यार दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया दो रून लगाने के बाद, और ये हो गया चार रून लगाने के बाद, ये क्या चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, सो गाइस जैसे कि अभी मैंने तुमको बताया कि हम रून का कॉम्बो बनाते हैं। ठीक है, जब जैसे कि ये मैंने कॉम्बो बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो इस कॉम्बो के बनने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन अनलॉक हो गया। ठीक है, अब इस ऑप्शन के अंदर जितनी पावर लिखी हुई है ना, ये सब की सब मैं इनका एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, अब इन सब पावर्स का हमारे को एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, और जब तक ये मैंने कॉम्बो नहीं बनाया हुआ ना, जैसे मैं तुमको करके दिखाता हूँ। सो ये देखो गाइस, मैंने जो है कॉम्बो को हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब जो सी रून है हमारे पास, इसका अपने पास कॉम्बो नहीं है, ये वाला जैसे इस पर लिखा हुआ है ना, फिजिक गोस्ट एंड डार्क वाले जो डैमेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, इस पावर का अपने पास अब कोई भी कॉम्बो नहीं है, क्योंकि मैंने जो है इसको हटा दिया है। ठीक है, सो अब जो हम सिर्फ इसकी एक ही चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, एक तो इससे मिली पावर का, और दूसरा जो हमारे अटैक को बढ़ा रहा है ना, पर जैसे हमारा जो अटैक है उसमें 45 प्लस की बढ़ोतरी कर रहा है, मैं करके दिखाता हूँ तुमको। ये हमारा जो अटैक है यहाँ पर पी अटैक ये है 6975। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर से हटा दूंगा, जैसे कहाँ पर गया, यहाँ से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो अब जो हमारा जो अटैक है वो हो गया यहाँ पर 6930। ठीक है, सो अब जो हमारा कितना कम होगा, 45। ठीक है,
जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने तुमको अभी बताया कि हम जो है इसके अटैक्स के नंबर जो लिखे हुए हैं ना, इनका बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो तुमने इसको पावर दी हुई है, मतलब इसके जो है लेवल बढ़ाए हुए रून के, तो तुमको कुछ परसेंटेज भी देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा देगा। जैसे कि किसी का 20 होगा ना, तो उसको 400 या 200 के करीब अटैक बढ़ा कर देगा, ठीक है गाइस। सो उसको जो है 400 पूरे मिलेंगे, ठीक है, चाहे उसने कॉम्बो बनाए हो चाहे नहीं बनाए हो, ठीक है। अब जो मैं जल्दी से इसको कॉम्बो बना देता हूँ और तुमको समझाता हूँ, रेसिस्ट एंड इनहेंस। सो गाइस यहाँ पर जो है रेसिस्ट एंड इनहेंस दो चीज़ें होती है, ठीक है। अब रेसिस्ट एंड इनहेंस मैं तुमको इनके एक बार आराम से बता देता हूँ उनके बारे में कुछ। गाइस देखो यहाँ पर जो है मैंने इसकी फाइटिंग पे क्लिक किया, इसके फाइटिंग मूव्स पे, मतलब किस तरह का है पोकेमोन है, ठीक है। सो ये जो है फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, और इसके जो वीक पॉइंट है ना, ये होंगे फ्लाइंग, ग्राउंड, वाटर, फिजिक, और रेजिस्ट होंगे बग, स्टील, फायर एंड ग्रास एंड आइस, ठीक है। सो ये जो है इसका हो गया रिड्यूस एरिया, ठीक है। मतलब जो है इस पोकेमोन को अगर ये पोकेमोन मारते हैं बग, स्टील, फायर, ग्रास, आइस एंड डार्क, तो इसका जो है 50% तक ये कुछ हिस्सा जो है डैमेज जो है कम लगेगा इसको, ठीक है। पर जो वीक पॉइंट लगा हुआ है ना, अगर इस टाइप के पोकेमोन मारते हैं, जैसे फ्लाइंग पोकेमोन ने इसको मार दिया या ग्राउंड ने मार दिया, तो उनका जो अटैक होगा ना, उसका असर इसके ऊपर ज़्यादा होगा गाइस, ठीक है, समझ गए गाइस। सो अब जो हम वापस से रून पे आ जाते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, फिजिक, गोस्ट एंड डार्क टाइप डैमेज विल बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब होता है गाइस कम करना, ठीक है। अभी कम कितना कर रहा है, 20% कर रहा है, ठीक है। जो फिजिक टाइप के हो गए, गोस्ट टाइप के हो गए, डार्क टाइप के हो गए, इनके डैमेज को ये 20% तक कम कर देगा, ठीक है। अब कोई सामने वाला मान लो कि फिजिक टाइप पोकेमोन है, उसने तुम पे अटैक कर दिया, सो ये जो है उसका 20% तक डैमेज घटा देगा फर्स्ट 2 टर्न तक। यहाँ पर लिखा हुआ कितनी टर्न तक लिखा है, ठीक है, ये वाई कम करेगा। सो यहाँ पर गाइज लिखा नहीं हुआ, ठीक है। सो ये जो है मेरे हिसाब से पूरी टाइम तक रखेगा, या फिर जितनी देर तक रून का असर रहेगा उतनी देर तक रखेगा, ठीक है। सो अब मान लो जैसे कि यहाँ पर अपने पास है फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमोन, ओके, और जो हमारी ये वीकनेस पॉइंट इतनी सारी है, और भाई मान लो अपने को अब फ्लाइंग टाइप से अपना बचाव करना है, ठीक है। सो अब जो है मैं फ्लाइंग टाइप के रिड्यूस रूनस को ढूंढूंगा, ओके, जैसे कि अपने पास ये है नॉर्मल फाइटिंग एंड फ्लाइंग टाइप का, ठीक है। इस पर लिखा हुआ गाइस इनहेंस, अगर यहाँ पर रिड्यूस लिखा होता ना, तो ये फ्लाइंग टाइप मूव्स को 30% तक घटा देता गाइस, ठीक है। सो मान लो जो एक तरफ से रेसिस्ट हो जाता, डिफेंस करता फ्लाइंग टाइप पोकेमोन का हमारे लिए, ठीक है। अब मान के चलो गाइस कि किसी के पास होता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर कहाँ पर गया ये बग है, जैसे ये रेसिस्ट में लगा हुआ, ठीक है। अगर ये वीक पॉइंट में होता ना, तो ये 2 टाइम्स तक, मतलब यार डबल डैमेज तुमको दे सकता था, ठीक है। पर अब इसी सिलसिले में मान लो अपने पास जैसे कि, तो हम इसका तो डिफेंस कर नहीं सकते गाइस, ठीक है, क्योंकि हम इसका डिफेंस कर भी लेंगे तो हमारे लिए 1x वीक पॉइंट रहेगा, ठीक है। सो ऐसे में हम इसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। जो बग पोकेमोन होता है ना गाइस, उसके ऊपर फायर टाइप पोकेमोन का जो असर है ज़्यादा होता है, ठीक है। सो हम जो है ऐसे रूनस को ढूंढेंगे जिनसे हमारी फायर टाइप मूव्स इनहेंस हो रही हो, ठीक है। ये है जैसे कि फाइटिंग, फ्लाइंग, ये नहीं है चलो, और ये हैगा यहाँ पर ये रिड्यूस है, ये के वाला कौन सा गाइस। सो गाइस ये जो है फाइटिंग, फ्लाइंग, मान के चलते हमको फाइटिंग मूव चाहिए, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर फाइटिंग को इनहेंस कर रहा है 30% तक, ठीक है। फाइटिंग को रिप्लेस करके तुम फायर मान लो, ओके। सो ये जो है फायर को इनहेंस कर रहा है 30% तक। अब जो है हमारे सामने है बग पोकेमोन, तो जो हमारे फायर का जो पावर है ना, वो तो हमारा यूज़ होगा, जितना ये अटैक है ये भी यूज़ होगा, जितना हमारे को रून से मिल रहा है ना फायर वाला अटैक, जैसे इसमें मिल रहेगा 7.5% तक रून स्पीड मिल रही है, मान लो अटैक मिल गया ना तुमको, तो फायर का तुमको इतने परसेंट अटैक भी मिलेगा, और जो इनहेंस होगा ना अपर, देखो लिखा है जैसे 30% तक इनहेंस, तो 30% तक इनहेंस का बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम पोकेमोन का गियर यूज़ करते हो, तो उसमें गियर पे जितना लिखा होगा तुमको उतने परसेंट का ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तुम अफोर्ड का बेनिफिट उठा सकते हो, यार कहाँ पर चले आए हम। सो तुम इतना सारा बेनिफिट उठा सकते हो अटैक पे, ओके। सो इस वीडियो के लास्ट में तुमको ये भी बता दूँ कि कैसे हम जो है डिफेंस पे ध्यान ना देकर और अटैक पे ध्यान देकर हम इसको कितना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रो प्लेयर्स होते हैं ना गाइस, जो VIP परचेज करके रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रो होते हैं आपसे, ठीक है। और मान लो अगर तुम अपने आप को प्रो प्लेयर मानते हो,
तो जो तुमसे प्रो प्लेयर है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो वो प्लेयर है वो किस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं रूम्स के अंदर, वो मैं तुमको इसमें वीडियो के लास्ट में बता दूँ, ओके। सो जो वीडियो है मेरे बोलते बोलते 10 मिनट की यहाँ पर हो चुकी है, और मैं खुद भी नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, हमने जो यहाँ पर रेसिस्ट की बात भी कर ली, यहाँ पर हमने इनहेंस की बात भी कर ली, सारे टाइप्स की बात कर ली, वीक पॉइंट, अटैक एंड डिफेंस की बात भी कर ली है, ठीक है। इनके पावर कैसे बढ़ाते हैं ये बात भी कर ली हमने, और इनके सेट कैसे बनाने होते हैं, इनकी इनहेंस कैसे करनी होती है वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इनहेंस यहाँ पर सी है, मैं सी की नहीं किसी और पोकेमॉन की करके दिखा देता हूँ, क्योग्रे पे चलते गाइस, ठीक है। आप जो अगर मेरे सर्वर के प्लेयर देख रहे होंगे ना, वो कुछ ना कुछ तो यार बोलेंगे, ठीक है। तो छोड़ते हैं हम, जैसे क्योग्रे यार यहाँ पर इसका सी है, ये जो है मैंने क्योग्रे को डिफेंसिव रून दे रखे है गाइस, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुमको, जैसे डिफेंसिव रून हो गए गोट फिजिक एंड डार्क जो पोकेमॉन है उनका 30% तक यहाँ पर मूव्स रिड्यूस रहेगा फर्स्ट 2 राउंड तक, ठीक है गाइस। मैंने जो अब तक तुमको एक चीज़ और नहीं बताई है, जो कि यहाँ पर 4 रून लगाने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं तुमको आगे चल के बता दूंगा, ठीक है गाइस। सो अब जो मैं इसको फुली इनहेंस करके दिखा देता हूँ, ऐसे तुम जो है इसको फुली इनहेंस कर सकते हो, और जो है देखो यहाँ पर रून इनहेंसमेंट कॉइन होते हैं, इनसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये कॉइन कैसे मिलने हैं, तुम इनको कैसे कर सकते हो ये बता देता हूँ अभी। ये मैंने जो है 16 से 17 लेवल इसका कर दिया गाइस, ठीक है। अब मैं कॉइन से तो यहाँ पर कर नहीं सकता। ये कॉइन देखो गाइस, यहाँ पर एक गलती मत करना कि तुम कभी डायमंड से कॉइन खरीद लो ऐसे करके, जैसे मैंने कर दी हुई गलती, ठीक है, ऐसे मत करना गाइस, ठीक है। करके दिखा रहा था भाई, ऐसे ना मत। तुम यहाँ पर अगर तुमको एक कॉइन चाहिए ना, तो तुम इन पे इनहेंस पे क्लिक करो। जैसे देखो मैंने सी पे क्लिक करा, और फिर इनहेंस पे क्लिक करोगे ना, तो भाई ये क्या कर दिया यार मैंने, ब्लीच के इनका रून नियर बच गया। सो जब तुम उस वो जो रून होगा ना, उसको डिसलेमिनेट कर रहे हो तरफ से, सो उसके बदले तुमको जो है कॉइन मिलेंगे। उन कॉइन को तुम आने वाले टाइम में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक तरफ से मैं तुमको अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो ये जो रून है ना, ये तुम्हारा सामान है, ठीक है। इस सामान को तुम जो है इसका मुद्रीकरण कर लोगे। मुद्रीकरण का मतलब समझते हो, जब तुम अपने सामान को बेचकर उसके बदले पैसे ले लेते हो, जो सामान है वो ख़राब हो सकता है, पर तुम उसको किसी ज़रूरतमंद को देके उसके बदले पैसे ले सकते हो, जो पैसे ख़राब नहीं होते हैं, और समय आने पर तुम उस पैसे से कुछ और सामान खरीद सकते हो, ठीक है। सो एक तरफ से ये तुम्हारे पैसे हैं, जिसके बदले तुम रून आने वाले टाइम पर खरीद सकते हो, समझ गए गाइस, सिंपल भाषा में बिल्कुल। सो आइए, जो 19 तक आकर अटक गया, 20 तक तो हो नहीं पाया, ठीक है, कोई नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। और रूनस अगर तुमको नहीं पता कैसे मिलते हैं, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो पर अगर 100 लाइक हो जाते गाइस, ठीक है। सो गाइस, अब जो है मेरे सबसे बड़े पोकेमोन जेरनेस की बात करूँगा यहाँ पर, तो इसके पास गाइस यहाँ पर 4 गोल्डन रून है, चारों की जो है बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है। 2 पर्पल रून है, उनकी भी परफेक्ट वैल्यू है, पर उसके बाद भी जो पोकेमोन है इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी, मेरे दिल के हिसाब से मेरा दिल कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। और जो है अगर हम इस पे पूरे 6 के 6 गोल्डन रून लगा देते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ क्या हो सकता है वो मैं तुमको इस वीडियो में बताऊँगा, ओके। सो गाइस ध्यान से सुनो, जो है मैंने अभी तुमको बताया था कि हम जो इनके सेट बना सकते हैं 4 ही, पर जो है 4 का मेरा भी कोई भी पोकेमोन ऐसा नहीं है जिसके पास 4 गोल्डन रून हो एक जैसे, ठीक है। तो जो है इस पोकेमोन के पास 4 गोल्डन रून है, जो कि एक जैसे तो नहीं है पर मैचिंग करते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर 2 J लगाए हुए हैं मैंने, इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि इससे जो हमारा ग्राउंड रोक एंड स्टील टाइप के जो मूव हैं वो इनहेंस होते हैं 50% तक, ठीक है। 50% तक इनहेंस हो रहे हैं, उसके साथ में हमारे को ये चीज़ें भी मिल रही है। ये जो यहाँ पर 500 SP अटैक मिल रहा है मेरे को, 81 HP है वो मिल रही है मेरे को, और जो है रून का SP डिफेंस इतना परसेंट मेरे को मिल रहा है, ठीक है। इतना डिफेंस और इतनी स्पीड भी मिल रही है गाइस, ठीक है। मेरा गला बैठ गया यार बोल बोल कर, फिर भी मैं वो बोले जा रहा हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ तुमको बताना चाहता हूँ, अच्छे से सिखाना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। ऐसी जो वीडियो से गाइस तुमको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी गाइस, सर्च लगा लो मेरे से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ गाइस, जिसमें मेरा प्रॉफिट बस इतना है कि यार मैं तुमसे बात कर पाता हूँ गाइस, ठीक है, और मेरे को अच्छा लगता तुमको ये बताना, मेरा इतना ही प्रॉफिट है इसमें। सो गाइस, मैं जितना भी कंटेंट बनाता हूँ बिल्कुल दिल से बनाता हूँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर तुम न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ 4 रून के सेट के बारे में, ठीक है गाइस। अगर ये रून मेरे पास 6-4 होते गाइस, ठीक है, एक साथ, तो इस रून का जो इफेक्ट होता वो कुछ ऐसा होता, विल इम्यून द बर्न इफेक्ट फर्स्ट 3 राउंड। सो गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास 4 J के रून होते ना, मतलब जैसे 1, 2, 3 और 4, अगर ये मेरे पास 4 J रून होते ना गाइस, सो जो पोकेमोन होते हैं ना,
जो फायर टाइप पोकेमोन होता है वो बर्न कर देते हैं किसी पोकेमोन को, तो वो जो है मेरे एक्सरनेस पोकेमोन को बर्न नहीं कर सकते थे, ठीक है, 3 राउंड्स तक, यहाँ पर लिखा हुआ 3 राउंड तक कोई भी पोकेमोन तुमको बर्न नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने हमारे को बर्न स्टेट दी हुई है पहले से, ठीक है, उसके बाद पोकेमोन एंटर होता है फिर बर्न हो जाता है ना, तो ये बर्न ही माना जाएगा गाइस, ठीक है, या फिर 3 राउंड ख़त्म होने के बाद बर्न होता है ना, तो भी इसमें ये रून कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रून की पावर, अगर 4 रून लगा दोगे तो 3 राउंड तक तुमको बर्न स्टेट से बचा लेता। बर्न क्या होता है भाई, जब कोई आग वाला पोकेमोन तुमको आग मारता है ना खींच के, और फिर संतरी संतरी से कुछ बर्न लिखा हुआ आता है जो तुम्हारी पावर थोड़ी थोड़ी कम करता रहता है, मक्खी चूस बन के, ठीक है, सो उसी को बर्न स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये 4 रून होते हैं ना, ये डिफेंसिव रून माना जाता है, और ये जो है भाई पॉइजन का भी हो सकता है, इम्यून और मतलब आइस का भी हो सकता है, स्लीप का भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, और जो है डिफेंसिव भी होते हैं बहुत सारे, जैसे ये डी का डिफेंसिव होता है एक रून, ये जो है भाई ग्रूडोन पे यूज़ होता है, ठीक है। अब हाँ मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि कौन सा रून किस पोकेमोन पे यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने गलत पोकेमोन पे गलत रून यूज़ किया हो यहाँ पर, और मैं तुमको अपनी एक गलती और बताता हूँ गाइस, यहाँ पर जो है देखो मैंने जो यहाँ पर जो जे रून लगाया हुआ है ना, ये हमारी स्टील की यहाँ पर लिखा हुआ है ना गाइस, स्टील की जो पावर होगी उसको 50% इनहेंस कर देगा, ठीक है। अब जो जेडनेस है इसका जो है स्टील वीक पॉइंट है, ठीक है, अब जो कोई स्टील पोकेमोन मेरे सामने आएगा ना गाइस, सो जो है 50% उसकी इंक्रीज करेगा, मेरी नहीं करेगा गाइस, ठीक है, मेरे को इससे सिर्फ ये प्रॉफिट हो रहा है जो ये मिल रहा है, ठीक है गाइस, यही प्रॉफिट हो रहा है, जो स्टील का जो पोकेमोन का जो प्रॉफिट है मेरे को नहीं हो रहा गाइस, ठीक है, ये सिर्फ मेरी पावर बढ़ा रहा है, और मेरे को ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर 500 SP अटैक ये दे रहा है, ठीक है, इससे जो है स्टील का कोई भी लेना देना नहीं है, स्टील का जो सामने वाला पोकेमोन होगा उसकी पावर बढ़ाएगा या मेरी नहीं बढ़ाएगा, सो इसलिए ये मैंने जो है पर गलती कर रखी है, ठीक है। मेरे को यहाँ पर अगर मैं मान लो इसकी जगह पर फैरी लगाता ना कि 50% इंक्रीज फैरी टाइप मूव्स, सो गाइस ये जो पोकेमोन है ना बिल्कुल इतना ख़तरनाक हो जाता कि इसको कोई रोक नहीं सकता था, ठीक है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता, सो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सो अब जो मैं तुमको बताता हूँ, जो तुम अगर मान लो तुम्हारे पास इनेंस के रून्स नहीं है तो तुम रेसिस्ट के रून्स का यूज़ कर लो, ठीक है गाइस, रेसिस्ट के रून्स जो है ना इनेंस के रून से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मान लो ये जेरनेस है, वाटर टाइप पोकेमोन हो गया ना कि ओग्रे वो इसको डैमेज देता ही है, ठीक है, पर जब मैं वाटर टाइप रेसिस्ट के रून लगाऊंगा ना तो जो मेरे रेसिस्ट होंगे ना, जैसे कि इसके जो है बग पोकेमोन नहीं मार सकता है, फेरी नहीं मार सकता, ठीक है, सो उस रेसिस्ट में एक वाटर भी शामिल हो जाएगा, हिडनली शामिल होगा, ठीक है गाइस, सो वाटर टाइप पोकेमोन भी इसको बहुत ही कम डैमेज दे पाएगा, ठीक है। सो जो रेसिस्ट के मूव होते हैं वो इनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ओके गाइस, और मान लो अगर तुम्हारे पास मैचिंग के बिल्कुल मैचिंग के इनहेंस मूव है ना, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है भाई साहब। मान लो यहाँ पर जो मेरे पास स्टील वाले रून होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास फैरी वाले रून होते हैं ना, सो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है, मैं यहाँ पर फैरी वाले रून ठोकता दोनों के दोनों और वो काम आ जाता। अब मैं तुमको एक और बात बता देता हूँ भाई, ठीक है, जो रून होते हैं ना वो SP अटैक होते हैं और एक होते हैं P अटैक, ये मैं तुमको बताना भूल गया था शुरू में, जो P अटैक रून होते हैं गाइस वो सिर्फ P अटैक पोकेमोन पे लगाने चाहिए, और जो SP अटैक रून होते हैं वो सिर्फ SP अटैक पे लगाने चाहिए, मैं बता देता हूँ कैसे। ये गाइस ये अपना जगाटी है गाइस, ठीक है, मेरा फेवरेट पोकेमोन है और सबसे बड़ा इस गेम का नंबर 1 डिफेंसिव पोकेमोन जगाटी है, ठीक है गाइस। सो जो जगाटी है ना गाइस, इसका यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो मैंने जो यहाँ पर अटैक टाइप रून्स लगाए हुए, ठीक है, यहाँ पर जो है तुमको SP अटैक रून्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे इसलिए गाइस क्योंकि ये अटैक टाइप पोकेमोन है, इसके पास जो SP अटैक टाइप मूव नहीं है, अगर मैं SP अटैक टाइप मूव लगाता हूँ सो जो है मेरा SP अटैक टाइप इनहेंस होगा, और जिसका मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, अटैक लगाता हूँ तो मेरे को अटैक का बेनिफिट होगा क्योंकि ये P अटैक टाइप मूव है मेरे पास सारे के सारे, ठीक है, समझ गए गाइस, ठीक है। और जो है भाई इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए तुमको नूब 2 प्रो सीरीज शुरू से देखनी पड़ेगी, ठीक है, हैशटैग नूब 2 प्रो सीरीज लिखो और शुरू हो जाओ, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कौन सा मूव किस पोकेमोन के लिए अच्छा होता है और कैसे हम मूव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस अब हमारा क्या रह चुका है यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, सो वीडियो की लास्ट की जो मैंने चीज़ बताने के लिए बोली थी वो भी मैंने तुमको बता दी है रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब जो मैं तुमको एक चीज़ और बताने वाला था, जो कि मैंने लास्ट में बोला था कि मैं तुमको 6 रून गोल्डन लगा के दिखाऊंगा कि उसके बाद हमारे पोकेमोन के साथ क्या होता है, ठीक है, वो कैसा दिखने लगता है, ओके।
और फिर मैं तुमको उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, सच में जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, अरे इसका नाम है सच में जो ये लिखी हुई है स्पिन जैसी, ठीक है, इस पर क्लिक करके बता देता हूँ। सोए जी यहाँ पर ये फॉर्म है इतनी सारी, ये गाय जी मैंने सेव की हुई है, मेरी क्यों करनी होती है मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे कि मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि मैं इस पर जो यहाँ पर एच की जगह आई रून लगा कर देखना चाहता हूँ, ठीक है, पर मेरे को डर है कि मैं बाद में भूल जाऊँगा कि मेरे एक्सर ने ये जगह डे पे क्या रून लगे हुए थे, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर सच में पे क्लिक करके और यहाँ पर सेव का बटन दबा दूँगा, ठीक है, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा जय गार्डे, ओके गाइस, और फिर जो है मेरा सेव हो जाएगा। और अब जो है मैं बाद में अगर मान लो मैंने चेंज कर दिए और मैं भूल गया कि मेरे क्या रून यहाँ पर लगे हुए थे, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर जय गार्डे पे ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको इक्विपमेंट पे क्लिक करके और वापस से इसके पहले जैसे रून हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं रून सेटअप करने से पहले हमेशा अपने 6 के 6 पोकेमोन के बैकअप ऐसे करके ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाके दोबारा से ले लेता हूँ क्योंकि मैं तुमको गोल्ड फॉर्म जैकाटे दिखाने वाला हूँ, ओके। सो उससे पहले मैं जो अपने 6 के 6 पोकेमोन के बैकअप ले लेता हूँ गाइस। सो देखो गाइस ये अपने पास है जैकाटे, ठीक है, पर मेरे पास जो है जैकाटे का गोल्ड फॉर्म नहीं है, मेरे पास एक्सरनेस का गोल्ड फॉर्म है, ठीक है, जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, पर जो है मैं उसको यूज़ करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जो है एक्सरनेस मेरा प्राइवेट पोकेमोन है, ठीक है। सो इसलिए मैं उसको ज़्यादातर सो यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो मैं अपर जायगाटे को गोल्ड फॉर्म में बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर एक्सरनेस को गोल्ड फॉर्म लगा देता हूँ, ओके। सो जब तुम अपने पोकेमोन के ऊपर गोल्ड फॉर्म लगा देते हो तो उसके बाद जो है तुम्हारा रून का जो सेट होता है वो कुछ इस टाइप का दिखने लगता है, ओके। अब मैं जो है जायगाटे को ज़रा शेयर करके देख लेता हूँ कि वर्ल्ड में कैसा दिखता है। सो गाइस वर्ल्ड में तो ये मेरे को भी ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, बाकी लोगों को पता नहीं रून यहाँ पर, देखो रून तो यहाँ पर किसी को नहीं दिखते, ठीक है, जब हम शेयर करते हैं, पर जो ये फ्रेम होता है ना ये दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये पूछना पड़ेगा किसी से। सो यहाँ पर यार मैंने लिखा, उसके बाद देखते कब इंतज़ार करते कौन आकर बोलेगा जवाब देगा। सो भाई मैंने सभी शोरमा लोगों को खलीफा लोगों को बोल के देख लिया है, कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यार मतलब का टाइम है यहाँ पर, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, ठीक है गाइस, पर मैं फिर भी यार यहाँ पर फ्री का यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूँ, सब कुछ फ्री में तुमको बताता हूँ, इतने साल हो गए यार बताते हुए, ठीक है। सो आज तक भी पूरा का पूरा कंटेंट जो बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। सो इस बात के लिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और जो भाई ये वीडियो है ना इसका पूरा क्रेडिट मैं एक लड़के को देना चाहता हूँ जो यार मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि रूम्स के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है, उस लड़के का नाम बता देता हूँ और तुमको एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताता हूँ जो तुमको रून के बारे में और अच्छी तरह से बता सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने जो रून के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, ठीक है, वो सीरीज़ देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है, पोकी गेमर नाम है उस बंदे का, ठीक है, पोकी गेमर YT, तो वो तुमको बताएगा, ओके गाइस। सो एक भाई ने अपर जवाब दे दिया कि अपर MPT दिख रहा है, तो ओके भाई, ठीक है। सो गाइस ये वो भाई, वो लड़का आर्यन मित्तल नाम है गाइस इसका, ठीक है, मतलब यार ये बहुत ही मन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि ये जो है रूम्स के बारे में वीडियो बनाओ, क्योंकि इस जो वीडियो की जो है सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जो वीडियो भाई सबके बहुत ज़्यादा काम के, ठीक है, ये बात हमारे को आर्यन मित्तल नाम के बंदे ने बताई। हर वीडियो के नीचे जो इसका कमेंट होगा कि भाई रूम की वीडियो बनाओ, ठीक है, क्योंकि इनको बता दें वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है, पर मैं जो इनकी वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी रीज़न से, ठीक है। सो भाई जो भी इस वीडियो को लास्ट तक अब तक देख रहा है ना नीचे भाई ज़रूर लिख के जाना आर्यन भाई थैंक यू, ठीक है, इनके लिए लिख के जाना, मेरे लिए नहीं इनके लिए ज़रूर लिख के जाना भाई, ठीक है। और जो ये स्क्रीनशॉट है गाइस हमारे ऐप का है, ऑफिशियल ऐप है PSS गेमर किंग कम्युनिटी ऐप, ठीक है, इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। इसके फ़ायदे होते हैं गाइस यहाँ पर तुमको सारे CDKs मिल जाते हैं, तुमको VIP टॉपअप बाईपास करना हो ना तो वो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, मतलब पैसे लगेंगे पर थोड़े कम ज़्यादा लग सकते हैं और बिना किसी दिक्कत की हो सकती है, ठीक है, इंस्टेंटली सर्विस बनाई हुई है खुद की, ठीक है।